वेलकम टू ओजांक अकेडमी माई नेम इज़ सुहेल तुर्की एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्ट एंड कल्चर फॉर यू पी एस सी प्री एज वेल एज फॉर मेन्स एग्जामिनेशन डीलिंग विद द आर्ट एंड कल्चर इज़ लाइक बिट डिफिकल्ट आई थिंक बहुत टाइम तक हम समझ नहीं पाते एंड uh, ऐसा होता है कि फिर आर्ट एंड कल्चर हमारे लिए बहुत हेक्टिक जैसा बन जाता है ना वाट एक्चुअली आर्ट एंड कल्चर इज़ ऑल अबाउट एंड वाट यू पी एस सी एक्चुअली डिमांड्स फ्रम स्टूडेंट मुझे ये लगता है कि आर्ट एंड कल्चर को अगर आप लोग थ्रू करेंट अफेयर्स से एक और जब हम एनसीआर टी की बुक्स पढ़ते हैं अगर उसी समय कम्प्लीट किया जाए तो बहुत अच्छा है लाइक like, अगर मैं बात करता हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो कि तमिलनाडु की बुक में दिया हुआ है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दी हैं जो आर्ट एंड कल्चर के साथ डील करती हैं क्लास सिक्स की एन सी आर टी में अगर जब पढ़ता हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर ऑलरेडी मैंशन हैं कि क्या था उनका लिटरेचर क्या उनका जो था आ, किस तरीके के आर्किटेक्चर थे उनके पास पेंटिंग कैसे करते थे लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शायद हम उस समय इतना अपना फोकस सिर्फ इस चीज़, इस चीज़ के लिए करते हैं कि हमें उनके सिर्फ आ, 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 एंशेंट हिस्ट्री कंप्लीट करनी होती है या मिडाइवल पार्ट ख़त्म करना होता है तो हम आर्ट एंड कल्चर को नहीं देखते हैं फिर जिसके लिए हमें अलग से पढ़ना पड़ता है सो आई डू अंडरस्टैंड दैट कि चलें अगर उसको हम अलग से भी पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ना है सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर को ये पाँच मिनट की वीडियो आपको बहुत बहुत फ़ायदा देने वाली है सबसे पहले आप आर्ट एंड कल्चर को डिवाइड करना सीखें देखिए एक टर्म है इंडियन आर्ट जो कि पहले आता है फिर उसके बाद जब हम इंडियन आर्ट्स से निकल जाते हैं तो फिर आता है विजुअल आर्ट्स ये दो हैं और जब तीसरे सेगमेंट पे हम आते हैं दैट इज़ नोन एज़ इंडियन कल्चर तो अगर आप तीन चीज़ें जानते हैं कि एक पहले इंडियन आर्ट है दूसरा जो है विजुअल आर्ट्स है और तीसरा जो है इंडियन कल्चर है अगर आप ये अंडरस्टैंड कर पाए हैं तो तब आपकी जो आर्ट एंड कल्चर है वो बड़ा इजी होगा अभी देखें बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने कंप्लीट किया होगा उन्होंने डिवाइड भी नहीं किया होगा सबसे पहले डिवीज़न होता है लाइक फॉर एग्जांपल मैं इंडियन आर्ट में इंडियन आर्ट क्या है सो इंडियन आर्ट को अगर आप देखेंगे इंडियन आर्ट इज़ नोन एज एक्चुअली परफॉर्मिंग आर्ट जिसको परफॉर्म किया जाता है विच एक्चुअली आर्ट एंड स्किल्स विच नीट रुकाइट्स परफॉर्मेंस Uh, to express your feelings like dance uh agar dance mein bhi dekhein to dance itself is divided into a two part one is known as a hindustani dance aur jab hum जो north indian side में होती है और जब हम south side साइड चले जाते हैं तो कार्नेटिक डांस uh, वगैरह की बात होती है सब जब डांस की बात होती है तो डांस के साथ ही कुछ थिएटर्स भी आ जाते हैं जिसमें परफॉर्म किया जाता है आप समझिएगा क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूं कि इट इज़ अ इंडियन आर्ट इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट सो परफॉर्म में क्या क्या आ जाएगा वो आपको याद होना चाहिए उसके बाद आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे जो है कठपुतली डांस भी किए जाते हैं जो राजस्थान में बहुत फेमस है जिसको हम बहुत अलग से पढ़ते हैं फिर हमारे पास है इंडियन आ, में कौन सी ऐसी यून यू एन के मुताबिक यू के मुताबिक ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडियन हेरिटेज कल्चर हेरिटेज में आई हैं उनकी साइट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं सो so, ये होता है परफॉर्मिंग आर्ट जो परफॉर्म करके आप दिखाते हैं और दूसरा होता है विजुअल आर्ट्स ठीक है वो विजुअलाइज एंड एज फार एज विजुअल मीन्स टू एक्सप्रेस वो एक्सप्रेस करना पड़ता है इंडियन no, आर्किटेक्चर no, इंडियन आर्किटेक्चर इस दियर वी है इंडियन स्केपचर्स आर देयर उसके बाद आपकी पेंटिंग हो गई फिर उसके बाद फिर से यू एन ई एस सी ओ का क्या है कि लिस्ट ऑफ इंटेजिबल एरियाज हैं जहाँ पर वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर यह साइट्स वगैरह हैं सो दिस आर टू और तीसरा जो आता है दैट इज़ जो बिल्कुल अलग से हम पढ़ते हैं डेट इज़ अ इंडियन कल्चर वैल डीलिंग विद इंडियन कल्चर आपको जैनिज्म के बारे में पढ़ना है आपको बुद्धिज़म के बारे में पढ़ना है आपको फिलॉसफी के बारे में पढ़ना है आपको साइंस एंड टेक किस तरीके से इंडिया में डेवलप हुई उसके बारे में पढ़ना है फिर कैलेंडर्स इंडिया में किस तरीके से आए और लास्ट एंड फाइनल फिर से हम जाते हैं कि सम इम्पोर्टेंट कल्चरल इंस्टीट्यूशन जो अभी अभी इंडिया में हैं ये किस तरीके से रह सो so, अगर हम इसको तीन पार्ट में बांध दें दैट इंडियन आर्ट दैन विजअल आर्ट दैन इंडियन कल्चर तो ये बहुत इजी हो जाएगा बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए और आप आर्ट एंड कल्चर को बड़ा इजी से कंट्रोल कर सकते हैं अब आर्ट एंड कल्चर को डील करने के लिए बेहतरीन तरीका क्या था कि जब आप एंशंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मिडाइवल पार्ट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जिनको अंडरलाइन कर सकते थे आप जैसे क्लास एलेवं की तमिलनाडु की बुक है या मेरे पास क्लास टेन की एनसीईआरटी बुक है जहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं लेकिन अब चूंकि हम लोग उस समय शायद नहीं देख पाए तो इसको अलग सेगमेंट में भी अगर पढ़ना है तो इसको डिवीज़न करके पढ़ना है सबसे पहले आपको यूपीएससी का पूरा पता होना चाहिए कि वो क्या डिमांड कर रही है नहीं तो आर्ट एंड कल्चर इतना वास्ट है और ये खासकर करंट में भी पूछा जाता है ऐसा नहीं है कि आपको करंट से दूर रहना है काफ़ी सारे आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली तमिलनाडु में या गुजरात में न्यू ईयर मनाया गया किस क्या नाम होता है क्या किया जाता है सो आई आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पहले इन चीज़ों को अलग अलग करें और इसके लिए बुक्स तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि आप डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी मैं अगर कोई बुक बोल देता हूं तो प्रॉब्लम बट मैं ये कह सकता हूं कि शायद एन से कंप्लीट की जा सकती थी बट अगर नहीं की जाती है तो प्लीज़ ट्राई सबसे पहले यू का सिलेबस देख लें वो क्या डिमांड आपसे कर रहे हैं क्या वो इंडियन आर्ट कल्चर मांग रहे हैं आपसे या क्लासिकल मांग रहे हैं या विजुअल मांग रहे हैं या इंडियन लिटरेचर मांग रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए सो नाई एम गोइंग टू स्टार्ट माई कोर्स ऑन एनी टाइम लर्निंग ऐप जिसमें आर्ट एंड कल्चर के कोर्सेज मैं कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूं और जिसके बाद आई होप कि आपको फिर से आर्ट एंड कल्चर में कोई इशू ना हो यदि अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं एंड यू वांट टू टेक माय क्लासेस प्लीज़ डू टाइप मैसेज ऑन माय नंबर एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं आई विल कम अगेन विद अ न्यू टॉपिक टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर बी सेफ एंड बी पॉजिटिव थैंक यू